नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल चेयर शॉपिंग पे। आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे स्पार्क्स ब्रांड के एसएक्स आर्टिकल है SX716, इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और जानेंगे जूते में क्या खास है, क्या कमी है, सब कुछ, क्योंकि स्पार्क्स के स्पोर्ट्स शूज की अनबॉक्सिंग ज्यादातर बहुत ही कम किया है, तो बहुत ही नॉलेज कम होगा। तो इसके हम लोग सोल, इनसोल, अपर, इसकी प्राइसिंग कहां से मिलेगा और हाँ ये लेने लायक भी है कि नहीं, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स की जो क्वालिटी होती है, जैसे इनका सैंडल्स वगैरह होता है, सेम उसी क्वालिटी का होता है। क्वालिटी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले इनकी क्वालिटी काफी इम्प्रूव आती भी थी, जैसे कि कैंपस वगैरह के बॉक्स होते हैं उसी तरीके, लेकिन इसमें थोड़ा क्वालिटी कम नजर आ रहा है। और जबकि ये लेटेस्ट आर्टिकल है, आप यहां देखेंगे तो आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी दिखेगी 1/2022। तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल में आपको दिख रहा होगा, आर्टिकल है SX716 एस ग्रीन गोल्ड कलर का, 1999 इसकी एमआरपी है। वापस कर रहे हैं, ये सूज है, जूता, कैरी बैग इसमें नहीं है। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा, अनबॉक्सिंग कर दिया है, तो ये आपके सामने जूता दिख रहा होगा। ये देखिए इसका लुक, सबसे पहले आप बहुत ही प्यारा लुक दिया गया है, ऑलिव कलर में, ऑलिव का डार्क ऑलिव कलर कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऑलिव थोड़ा लाइट होता है। क्वालिटी वाइज बहुत ही जबरदस्त जूता है ये। सबसे पहले हम लोग इसके सोल के बारे में बात करते हैं। जो इसके सोल की क्वालिटी है, देखिए आप, तो ट्रिपलिंग ग्रिप पे मुझे ऐसा लग रहा है, जो पहली नजर से दिख रहा है ट्रिपल ग्रिप पे इसको बनाया गया है। सबसे पहले देखिए ये ईवा को मिक्स किया गया है, जो कि आप देख रहे होंगे, साथ में ये ट्यूब लगाया गया है और टीपीआर की जो मात्रा है, जैसे नॉर्मल सोल होते हैं कैंपस वगैरह में भी टीपीआर का मात्रा 50% 70% होता है, इसमें लगभग 99% बस यहाँ पे ईवा दिख रहा है साथ में, बाकी ये देखिए बॉटम से लेकर टॉप तक सब पूरा टीपीआर से एकदम मिक्स है, यानी जबरदस्त क्वालिटी होने वाली है। अगर इसको आप यूज करेंगे जूते को, तो इसकी सोल तो ये समझिए कि ये अनब्रेकेबल है, इसको कोई फाड़ नहीं सकता। सोल पे आपको मिल जाएगा इसकी ब्रांडिंग स्पार्क्स का, स्पार्क्स यहाँ लिखा रहेगा ओरिजिनल जूतों पे, यहाँ उसकी साइजिंग जैसे 9 नंबर का है और 43 यूके और यूएस दोनों स्टाइल में यहाँ पे लिखा गया है। इसके इंसोल के बारे में बात कर लेते हैं, इंसोल भी अच्छी क्वालिटी वाले, इनके दो नॉर्मल जितने भी आजकल के ब्रांड हैं, चाहे वो कैंपस हो, एब्रॉज हो या फिर स्पार्क्स हो, एशियन हो, सभी दो टाइप का इंसोल बनाते हैं। एक इस टाइप का जिसको ये सब एसडी कुशनिंग, एस्ट्रा कुशनिंग, बहुत अलग अलग नाम देते हैं, उसका मेन एक मकसद होता है कि इसमें काफी मोटाई होती है। ये जो 1500 या 1000 के ऊपर जूते होते हैं उसमें ही इस इंसोल को यूज किया जाता है, काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर दोनों इंसोल के बारे में आप नहीं जानते तो आई बटन पे क्लिक करिए, मैंने कंपेयर किया है दोनों इंसोल को, आप उसको देख सकते हैं। ये से देखिए नीचे स्टिक लगा है काफी, ताकि ये पेस्टिंग से एकदम चिपका रहे आपका, ये देखिए चिपका हुआ है, काफी अच्छा फैब्रिक यूज किया गया है जिसके वजह से ये पसीना वगैरह आपका सोखेगा। ये हो गया इसके कुशन के बारे में, आइए इसके अपर मटेरियल के बारे में बात करते हैं। अपर मटेरियल अंदर से मैं फील करके आपको बताता हूँ कि अंदर क्या मटेरियल यूज किया गया है। एक अपर से आप देखेंगे तो यहाँ पूरा नेट लगाया गया है, काफी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का नेट यूज किया गया है, मोटे क्वालिटी का। नीचे से इसमें फोम लगाया गया है ताकि आपका जो अंदर से सॉक्स वगैरह भी नहीं पहनते, आप पहनते हैं तो एक्स्ट्रा कुशनिंग आपको अपर साइड, नीचे से तो मिलेगा ही, नीचे से पूरी मजबूती मिलेगी क्योंकि जबरदस्त क्वालिटी का सोल दिया गया है। अपर भी गजब है इसका, आप सेफ देखिए, सेफ से ही पता चलता है अगर क्वालिटी जूते में है, क्वालिटी यूज किया गया है, मटेरियल बहुत ही उमदा क्वालिटी का यूज किया गया है, तो उसका बिना, जैसे हम लोग कागज इसमें कंपनी से भरी रहती है पहले से, जैसे ये निकला है
इसको हटा भी देंगे तो भी इसका शेप जो है बना ही रहेगा, बरकरार रहेगा। सिर्फ क्वालिटी बहुत ही उमदा क्वालिटी यूज किया गया है। आप यहाँ लेसेस पे देखिए, टंग वगैरह पे यहाँ ये पूरा फाइबर यूज किया गया है ताकि फाइबर से ही पूरा रिबन लेसेस जो है वो टाइट है। तो इस फाइबर भी अच्छे क्वालिटी का दिया गया है और यहाँ एक एक्स्ट्रा लुक दे रहा है। थोड़े लेस की मुझे कम लग रहा है, कोई नहीं, उसको आप एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लंबाई चाहिए होगी तो आप ज्यादा ले सकते हैं, बाकी ये छोटा सा लग रहा है मुझे, लेस की जो लंबाई है थोड़ा छोटा लग रहा है। टंग टंग पे भी आपको डिटेल मिल जाएगा, थोड़ा इसमें कुछ नहीं 19 है लेकिन चल जाएगा क्योंकि नीचे भी काफी अच्छा दिया गया है। अपन में ये दिया गया है पीछे से, ये बहुत ही अच्छा टूल्स मुझे लगता है, मतलब कंफर्ट से आप इसको जूते पहन सकते हैं। तो अब तक हम लोग ने इसके सोल, इनसोल, मिड सोल, अपर, टंग की और पीछे सभी बात कर ली है। अब बचा है सिर्फ इसकी रियल टेस्टिंग करने को, इसका रियल टेस्टिंग करेंगे उसके बाद बताएंगे ये जूता आपको लेने लायक है या नहीं। लेकिन अभी तक 90% आप श्योर है कि ये जूता आप परचेस कर सकते हैं। 2000 एमआरपी का है, ऑनलाइन में तो 2000 कहीं मिल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, लेकिन रिटेल पे आपको ये 1600-1700 का आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों रियल टेस्टिंग करते हैं स्पार्क्स के जूते की, SM 716, जिसका अभी आपने रिव्यू देख ही रहे हैं। क्वालिटी वाइज जैसे मैंने आपको बताया है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा जूता है, जो भी सोल वगैरह दिया है। बस इसका रिबन जो जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि काफी छोटा दिया गया है, तो पहनने में थोड़ा तकलीफ कर सकता है। ये देखिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, रिबन काफी छोटा है, इसमें बांधने के बाद इसमें कुछ बचता नहीं है, तो इनको रिबन पे थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए था और रिबन की साइज बढ़ा के रखनी चाहिए थी, और पता नहीं इतना छोटा रिबन क्यों दिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, स्टाइल इसका आप डिजाइन देखिए, डिजाइन वाइज काफी अच्छा लुक दिख रहा होगा आपको साइड से, देखिए लेफ्ट है। एक चल के इसको देखते हैं कि चलने के बाद ये कैसा है। और नीचे जो इसमें इंसोल लगाया गया है और जो HD टेक्नोलॉजी को ये प्रमोट कर रहे हैं जैसा कि इसमें लिखा भी है, उसका कम्फर्ट इंसोल पे वो मिल रहा है, काफी स्पंज है नीचे से तो एक कम्फर्ट आ रहा है। बाकी जैसे ये सोल वगैरह जैसे मैंने बताया था कि इसमें TPR की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप ऐसे देखेंगे तो TPR की मात्रा इसमें 99% है, तो ये सोल रनिंग वगैरह में भी यूज करते हैं तो काफी लॉन्ग ड्यूरेबल रहेगा। बाकी बस इसमें मुझे बस ये जो रिबन की साइज दिया है ये बहुत कम दिया है, एक यही कमी नजर आई। और इसकी प्राइसिंग ऐसे जूते लगभग थोड़े मुझे लग रहा है कि इसके वर्थ से 200-300 रुपए ज्यादा है। बाकी स्पार्क्स तो इंडियन ब्रांड्स में रिलैक्सो ग्रुप का है तो थोड़े महंगे ही रहते हैं, जैसे कि कैंपस और एशियन या इन सब ब्रांडों से कंपेयर करेंगे तो 100-200 रुपए महंगा जाता है, इतना लगभग चलता है। जैसा कि हम लोग ने इसका रियल टेस्टिंग अभी किया है, बहुत ही उम्दे क्वालिटी का है ये जूता, पहनने में भी काफी कंफर्ट मिला। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस जूते को परचेस करिए, बहुत ही अच्छा जूता है। अगर आप 2000 या 1800 तक का, डिजाइन आपके ऊपर है, डिजाइन आप पसंद कर सकते हैं। मटेरियल क्वालिटी के बारे में मैं बता सकता हूँ, रिव्यू मैं दे सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे कंपैरिजन करने का तरीका, टेस्टिंग करने का तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।